सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने पूछताछ के लिए आज भी बुलाया। सभी आरोपियों को एक साथ बिठाकर हो सकते हैं सवाल जवाब। कल सुशांत केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने की लंबी पूछताछ, 10 घंटे चली पूछताछ। सीबीआई पूछताछ के बाद सीधे सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंची रिया, पुलिस सुरक्षा में पहुंची घर। ड्रग्स को लेकर व्हाट्सएप पर रिया चक्रवर्ती के सैमुअल मिरांडा और शोवे के साथ बातचीत, रिया ने लिखा डूबी की जरूरत है। रिया से पूछताछ में सीबीआई को मिला अहम सुराग, सुशांत के अकाउंट से एक कंपनी को भेजे गए थे 48 लाख रुपए। सुशांत राजपूत केस का दर्ज खोलेगा सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत, सूत्रों के मुताबिक दोनों सरकारी गवाह बनने को तैयार। सुशांत केस में सीबीआई दो पहलुओं पर कर रही है जांच, हत्या, खुदकुशी के लिए उकसाने को लेकर के सीबीआई की जांच। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मामले में गौरव आर्या को प्रवर्तन निदेशालय का समन, 31 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया। प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ में जया साहा का बयान, सूत्रों के मुताबिक जया ने दिया या सुशांत को ड्रग्स देने की बात से किया इनकार। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में मार गिराए 3 आतंकी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, शोपियां में मुठभेड़ में मारे गए आतंकी, एक को जिंदा पकड़ा गया। कश्मीर राज्य में 8 महीने में 150 आतंकी ढेर, जम्मू कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों ने चलाया संयुक्त सर्च ऑपरेशन, जैश के आतंकी ठिकाने ध्वस्त। एफएटीएफ से बचने के लिए पाकिस्तान का नाटक जारी, हाफिज सईद के 3 साथियों को जेल, अब्दुल रहमान को सिर्फ 1.5 साल की कैद। गलवान के बलवानों ने पराक्रम के मारे गए चीनी सैनिकों की बड़ी खबर, चीन में सैनिक की कब्र का फोटो डालने वाले शख्स को भेजा जेल। पीएम नरेंद्र मोदी आज झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का करेंगे वर्चुअल लोकार्पण, वर्चुअल सभा भी होगी। इस दौरान पीएम यहां पर छात्रों से करेंगे संवाद, पीएम से बातचीत के लिए यूनिवर्सिटी के 5 छात्रों को चुना गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अगले सप्ताह जा सकते हैं रूस, एससीओ सम्मेलन में भाग लेने जाएंगे रूस। आज यूथ कांग्रेस देशव्यापी रोजगार दो आंदोलन शुरू करेगी, दोपहर 12 बजे दिल्ली में कांग्रेस के मुख्यालय से होगी शुरुआत। केरल कांग्रेस के अध्यक्ष सुरेश बोले पार्टी में अतिथि कलाकार है शशि थरूर। ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की राजनीतिक महामारी को हराना है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील का महाराष्ट्र सरकार की खुलेआम धमकी, अगर 2 सितंबर को मस्जिद नहीं खोली गई तो फिर सड़क पर नमाज पढ़ने बैठेंगे। दिल्ली दंगा के आरोपी पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन से पूछताछ करेगी ईडी, कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड दी। आज 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी जाएंगे सीएम योगी, मेडिकल व्यवस्थाओं का लेंगे फीडबैक। यूपी सरकार ने किया मेजर ध्यानचंद पथ योजना का शुभारंभ, 19 खिलाड़ियों के घरों तक सड़क निर्माण का होगा शिलान्यास। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा भवन का किया निरीक्षण। ग्रेटर नोएडा हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह का पुलिस ने किया भंडाफोड़। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में दबंगों की गुंडागर्दी सीसीटीवी में कैद हुई है। उधम सिंह नगर में प्रॉपर्टी के लिए बेटी ने की माता पिता और 2 बहनों की हत्या। प्रयागराज में भी महिला ने लगाया शारीरिक शोषण और धर्म परिवर्तन की कोशिश करने का आरोप। लखनऊ में सहकारिता मुख्यालय में मुख्य सचिव आर के तिवारी का औचक निरीक्षण। आतंकी अबू यूसुफ मामले में लापरवाही पर बलरामपुर पुलिस पर बड़ी कार्रवाई, उचरौला कोतवाली के एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। गाजीपुर में शिक्षा माफिया पारसनाथ कुशवाहा पर बड़ी कार्रवाई, 12 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति सीज। बागपत में एक हिस्ट्री शीटर की दबंगई का वीडियो सामने आया है। इंदौर में सीएम शिवराज ने किया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण। मध्य प्रदेश के किसानों को शिवराज सिंह का तोहफा, 6 सितंबर को 19 लाख किसानों को दिए जाएंगे फसल बीमा योजना के तहत 4500 करोड़। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में बीएसपी के एंट्री पर कांग्रेस का वार, बताया बीजेपी की बी पार्टी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के मॉनसून सत्र में जबरदस्त हंगामा, किसानों के मुद्दे पर विपक्ष ने किया वॉकआउट। छत्तीसगढ़ में फीस को लेकर के मनमानी नहीं कर पाएंगे निजी स्कूल, विधानसभा में हुआ विधेयक पास। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में युवक की मौत के बाद सवालों में जिला प्रशासन अस्पताल, नशे में धुत डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप। भोपाल में युवक ने फांसी लगा करके खुदकुशी की, बिजनेस में घाटा हुआ था। भोपाल में पॉली हाउस में सपना दिखा करके किसानों से ठगी करने वाले जालसाज को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पुलिस ने नकली ऑयल बनाने की फैक्ट्रियों का किया भंडाफोड़। मध्य प्रदेश के भिंड में उड़ते हेलीकॉप्टर से रस्सियों से उतरे जवान, खेतों में लैंडिंग होते देख करके दहशत में लोग। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किए बिहार चुनाव टालने की याचिका, हस्तक्षेप करने से किया इनकार। बिहार विधानसभा की तैयारियों में जुटी बीजेपी, जेपी नड्डा ने दिल्ली में बिहार के 21 सांसदों की बैठक बुलाई। चुनावी बोर्ड ने सीएम नीतीश कुमार 6 सितंबर को करेंगे वर्चुअल रैली। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार की बड़ी सौगात, 33,716 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को नहीं मिली राहत, झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई 11 सितंबर के लिए टली। बिहार के मुजफ्फरपुर में वाहन चेकिंग के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर किया हमला। बिहार के किशनगंज में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 23 ऊंट के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 तस्कर गिरफ्तार। बिहार के बेगूसराय में बदमाशों ने एक ज्वेलर्स की दुकान में फायरिंग करके लूटपाट की।
झारखंड के गुमला में भीषण सड़क हादसा, गहरी खाई में ट्रक के गिरने से 5 लोगों की मौत, हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। धनबाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट, शराब पीने से मना करने पर हुआ विवाद। फिरोजपुर में एक कार चालक लड़की ने बाइक सवार भाई बहन को पीटा। पंजाब के मोगा में लकड़ी के फ्रेम वाली साइकिल बनी आकर्षण का केंद्र, साइकिल बनाने पर आए 7,000 रुपए की लागत। कोरोना से कांग्रेस सांसद एच बसंत कुमार का निधन, पीएम मोदी राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने जताया शोक। महिला पहलवान विनेश फोगाट कोरोना पॉजिटिव, आज मिलना है खेल रत्न पुरस्कार। देश में 24 घंटे में रिकॉर्ड 77,266 नए मरीज सामने आए। देश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, 33,87,000 के पार कोरोना के मामले। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1,808 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 14,361 नए मामले सामने आए। मुंबई में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,217 नए केस आए सामने। बिहार में कोरोना के 1,998 नए केस, कुल मरीजों की संख्या 1,30,000 के पार। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 34,600 के पार हुआ। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,355 नए केस किए गए रिकॉर्ड। उत्तराखंड में एक दिन में कोरोना के 588 नए केस सामने आए। तमिलनाडु में कोरोना का कहर जारी, बीते 24 घंटे में 5,996 नए मामले। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,543 नए केस आए सामने। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाके में बड़ा बाढ़ का खतरा। जबलपुर में जारी बारिश के बाद बरगी बांध का जलस्तर बढ़ा, 21 में से 17 गेट खोले गए। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में मछली पकड़ने गया युवक नदी में फंसा, बढ़ते पानी के बीच पेड़ पर लटका। ओडिशा के जाजपुर में भारी बारिश से बढ़ गई है मुश्किल, राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ की टीम लगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीते 3 दिनों से लगातार हो रही है बारिश। उत्तराखंड के कालाझुंगी में बड़ा हादसा होते होते बच गया, नाले के तेज बहाव में तिनके की तरह बह गई कार। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद पहाड़ों के दरकने का सिलसिला जारी, चमोली में नंदप्रयाग के पास भारी भूस्खलन से बद्रीनाथ हाईवे जाम। उत्तराखंड में आसमानी आफत से लोगों की बड़ी परेशानी, पिथौरागढ़ के धारचूला में लैंडस्लाइड के बाद मलबा सड़क पर। कर्नाटक के हुबली में सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे की बेहतरीन मिसाल दिखाई दी, एक साथ गणेश चतुर्थी और मुहर्रम मनाया गया। खरगोन के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में विशेष आरती का किया गया आयोजन। एसबीआई के नए चेयरमैन बनेंगे दिनेश कारा, बैंक बोर्ड ब्यूरो ने की सिफारिश। प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं होने की वजह से खारिज नहीं कर सकते हैं मोटर बीमा पॉलिसी का दावा, इड्डा की ओर से एक बयान में जारी करके ये कहा गया। जीआईएस से लैस भूमि बैंक प्रणाली की पीयूष गोयल ने की शुरुआत, निवेश आकर्षित करने में मिलेगी मदद। भारतीय निर्यात करने के लिए जीएसपी बहाल कर सकता है अमेरिका, दोनों ही देशों के बीच मनी ट्रेड डील संभावना। कोरोना की वजह से पहली बार आज ऑनलाइन होंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020, राष्ट्रपति देंगे पुरस्कार। चेन्नई सुपर किंग्स पर कोरोना का कहर, एक तेज गेंदबाज समेत कई स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। रोहित शर्मा के बचपन के कोच दिनेश लाड ने कहा, मेरा शिष्य 2023 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करेगा। पूर्व भारतीय कोच ब्रेक चैपल ने कहा, धोनी भारत के सबसे सफल कप्तान। इंग्लैंड दौरे पर ऑस्ट्रेलिया का पहला प्रैक्टिस मैच चढ़ा बारिश की भेंट, इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज 4 सितंबर से होगी शुरू। कोरोना पर काबू पाने के बाद अब चीन में स्कूलों को पूरी तरह से खोलने की तैयारी की जा रही है। अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने बिना नाम लिए चीन पर साधा निशाना। हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने के खिलाफ है चीन, चीन के विदेश मंत्री ने दिया प्रतिक्रिया। अमेरिका के लुजियाना में लौरा तूफान से 6 लोगों की मौत, करीब 241 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चली। साउथ कोरिया मेट्रो ट्रेन में जूता जंग, मास्क को लेकर के टोकने पर चले दनादन जूते। टीवी एक्टर करणवीर बोरा और टीजे सिद्धू के घर आने वाला नन्ना मेहमान, इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर कर किया ऐलान। वर्चुअल होगा गोवा फिल्म महोत्सव, डिजिटल माध्यमों और ऑडिटोरियम में दिखाई जाएगी फिल्में। टीवी के चर्चित शो साथ निभाना साथिया के फैंस के लिए खुशखबरी, बहुत जल्द लॉन्च होगा दूसरा सीजन। रिलीज के साथ ही छा गया खेसारी का नया गाना, 18 अगस्त को रिलीज हुए रेड लिपस्टिक को अब तक मिले 9 मिलियन व्यूज। तेजस फिल्म का फर्स्ट लुक जारी, फिल्म को लेकर के उत्साहित है कंगना रनौत। घुटने की चोट से परेशान रणदीप हुड्डा की हुई सर्जरी, राधे की शूटिंग के दौरान स्टंट करने में लगी थी चोट। शख्स दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये क्या, दीवार के नीचे आने से बाल बाल बच गया।